आई होली आई होली आई मतिलाई 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 आई होली आई होली आई होली आई मतिलाई 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 वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली नंद लाल खेलते बोलो सारा है नंदलाल धरती अंबर उड़े गुलाल ये होली खेलत है होली खेलत है नंदलाल धरती अंबर उड़े गुलाल ये होली खेलत है ओ बाजे ढोल मंजीरे ताल रंग डारे गोरी के गाल होली खेलत है नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मोहम्मद दानिश। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर होली का पावन त्यौहार मनाते हैं। इसमें हिंदू के अलावा मुस्लिम, जैन और ईसाई भी शामिल हैं। सभी रंग गुलाल से त्यौहार मनाते हैं। राजनीति में हिंदू मुस्लिम को लेकर नेता आए दिन कई तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन आम जनता इन बयानों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। आम जनता तो आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाकर प्रेम से रहना चाहती है। इसी बीच आने वाले त्यौहार होली की बात की जाए तो यूपी के मुरादाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती है। होली त्यौहार ही ऐसा है जब लोग गिले शिकवे भुलाकर दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर मुरादाबाद में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग साथ मिलकर फूल और गुलाल से होली खेलते आ रहे हैं। मुरादाबाद में एक दूसरे को गले लगाकर देश में फैले कौम परस्ती के वायरस को होली की आग में जलाने का संदेश भी दिया जाता है। मुरादाबाद में हर साल की तरह इस बार भी हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर यह त्यौहार मनाने वाले हैं और देश की अखंडता का जीता जागता सबूत देने वाले हैं। होली पावन त्यौहार के कुछ ही दिन शेष हैं और मुरादाबाद के बाजार होली के रंग में रंगने लगे हैं। पहले साधारण तरीके की पिचकारी बाजार में दिखती थी, जिसमें बाल्टी में रंग घोला और पिचकारी में भरकर छोड़ते आए हैं, लेकिन होली खेलने का ट्रेंड बाजार ने बदल दिया है। दीपावली की तरह अनार बम अब रंगों में भी आने लगे हैं। इनमें आग लगते ही रंगों की बौछार होगी। बंदूक की पिचकारी में रंग, बम रखकर आग लगाते ही रंगों की बौछार हो जाएगी। रंगों की दोनाली बंदूक अनार बम से हरे, नीले, पीले और लाल रंगों की बौछार से सराबोर कर सकेंगे। गुलाल की वैरायटी भी अलग अलग है। 12 रंग का गुलाल बाजार में है। चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हर्बल और ऑर्गेनिक गुलाल भी बाजार में उपलब्ध है। होली पर इस बार मुरादाबाद के बाजारों में क्या खास है, इस बारे में दुकानदारों ने हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए बताया। होली के अवसर पर किस तरह की तैयारियां? होली बिल्कुल जोरों शोरों पे है। कस्टमर अभी है, मार्केट में इतने नहीं है क्योंकि एक तारीख आई है। अभी जो तब दिन करीब आएंगे तो उस हिसाब से कस्टमर चलेगा। बाकी सारे अपडेट्स, न्यू आइटम्स सारी आई हुई हैं इस समय। किस किस तरह के आइटम है, किस तरह का गुलाल है? गुलाल सारे कलर आते हैं, नियॉन कलर आते हैं और आपके ऑरेंज कलर आता है जो ज़्यादा चलता है आजकल, ट्रेंडिंग में है काफ़ी ज़्यादा। तो सारे कलर्स अवेलेबल हैं, हर्बल भी हैं, ऑर्गेनिक भी हैं। अच्छा, मुखौटे की बात करें, ऐसे योगी जी या फिर नहीं? वो योगी जी का था, वैसे मोदी जी का था हमारे, तो वो अभी शॉर्ट हो गया। अभी इतना मैंने मंगाया नहीं था स्टॉक, थोड़ी आइटम थी, बट अवेलेबल मिलेगा, मार्केट में मिलेगा जी। अच्छा, गुलाल की बात करें, सब भगवा रंग की ज़्यादा डिमांड? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल 100% रहेगी। केसरिया पगड़ी और केसरिया रंग दोनों ही चलेगा।
तो काफी आपके मतलब कस्टमर बिल्कुल आ रहे इस तरह के? बिल्कुल अभी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता आएंगे, अभी एंड में ही चलेगा। तो आपके पास किस तरह से स्टॉक लेके देख? मेरे पास काफी स्टॉक है पगड़ी को लेके या गुलाल के, बहुत स्टॉक है, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, जैसे कि अभी कई साल कोरोना रहा, उसके बाद इलेक्शन आ गए, इस बार जो है दुकानदारी में मतलब किस तरह का माहौल लग रहा है दुकानदारी का? बिल्कुल, लास्ट ईयर बहुत बढ़िया काम था, इस साल भी उससे डबल मैं कह सकता हूँ होगा। मतलब दुकानदारी अभी स्लो है बट लगेगा, 3-4 तारीख के बाद बिल्कुल भीड़ लगेगी। मतलब अच्छा काम रहने वाला? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गर्मी भी है, सब लोग खेलेंगे होली, और काफ़ी लोग तो जो बीमार थे कुछ नहीं आ पाए थे अपनी वजह से, तो सब हैं, अवेलेबल हैं इस समय, सब अपने घर पे हैं। होली बहुत ज़बरदस्त जाएगी। अच्छा, कलर को लेकर आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि कलर्स हमारे पास ऑर्गेनिक हर्बल ही होते हैं, हम केमिकल वाले तो नहीं बेचते, तो आप होली सेफ खेलें, आँखों में कलर ना डालें सबके, और बढ़िया मुर्गे का ब्रांड कलर का इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं। होली के तौर पर हम एकता की बात करें, जैसे सभी समुदाय के लोग बिल्कुल खरीदते हैं, मेरे पास सारे ग्राहक हैं, क्रिश्चियन भी हैं, माउंटेंस भी आते हैं जो होली का सेटअप लेते हैं, देते हैं कई और को, जो उनके दोस्त और यार बने हुए हैं, वो कुछ हैं संबंध सबके होते हैं, तो वो खरीदते हैं मेरे पास सारे ग्राहक। मतलब कुल मिलाकर सभी समुदाय के लोग? बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक फेस्टिवल है और उन्हें बच्चों को स्कूलों में मनाया जाता है, तो उन्हें लेना ही पड़ती है सामान। बाकी खेल भी लेते हैं बच्चे, गुब्बारों से, पिचकारियों से, टॉय का भी काम करती है। कोई मैसेज जनपद वासियों को जो आप देना चाहें होली के अवसर पर? होली शांतिपूर्वक मनाएं और हुड़दंग ना मचे, कलर्स बहुत अच्छे इस्तेमाल करें, एनिमल्स पे कलर ना लगाएं, बस यही कह सकते हैं। होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या इसका इतिहास है, इसके बारे में मुरादाबाद के पंडित श्रीमान भास्कर ने बताया। इतिहास ये था कि जो है हिरण्यकश्यप ने जब अपनी बहन होलिका से आग्रह किया था कि मतलब जो है जब बहन होलिका ने अपने बहन भाई हिरण्यकश्यप से कहा था कि भाई ऐसा है कि मुझे ऐसा वरदान है शिव के द्वारा कि मैं अग्नि में अगर बैठ जाऊँ तो जो मैं तो बच जाऊँगी लेकिन जो मेरी गोद में बैठेगा वो भस्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो है होलिका ने जो है असत्य का साथ देते हुए, अपने भाई के साथ देते हुए अपने अपने भतीजे हिरण्यकश्यप को गोद में लिया, लेकिन हमेशा जो है सत्य पर विजय हुई और जो है बल्कि होलिका जो है स्वयं भस्म और भक्त प्रहलाद जो हरि नारायण के भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, इसलिए हमेशा सत्य के, क्योंकि हिरण्यकश्यप हमेशा भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे, उनको भजते थे और सत्य को मानते थे। होलिका त्यौहार एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और जो है आपस में भाईचारा, इस प्रकार रंगों का मिलन होता है। इसी प्रकार हम क्षेत्र जनता या मनुष्य प्राणी को भी रंगों के समान एक दूसरे के प्रेम पूर्वक और प्रेम आदर के साथ जो है होली को मनाना चाहिए, यही जो है विशेष होली। और इसमें होलिका का पूजन यानी माँ हिरण्यकश्यप की बहन जिन्होंने कि असत्य का साथ दिया लेकिन हमेशा सत्य की जीत हुई है, ठीक है। और इसी के साथ जो है मतलब होली का प्रेम पूर्वक त्यौहार मनाया जाता है और होली को जो है मतलब एक दूसरे के भाईचारे के प्रति मनाना चाहिए। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस बार होली के अवसर पर मुरादाबाद के बाजारों में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर बात की जाए मुखौटे की तो बाजार में टीवी पर कार्टून करेक्टर के नामों से मुखौटे हैं, डोरीमोन, मोटू पतलू, मिक्की माउस, छोटा भीम, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन समेत करीब 50 से ज़्यादा मुखौटे हैं। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि सबसे ज़्यादा डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे की है। श्रीलंका के क्रिकेटर मलिंगा के नाम पर भी उनके बालों के स्टाइल की बिग भी बाजार में है। इसके अलावा बुढ़िया बाल, चुटिया बाल से लेकर जयपुरी पगड़ी भी बाजार में है। बाजारों में सड़क पर काउंटरों पर ग्राहक अब पिचकारी बाल व रंगों से हटकर आधुनिक आइटम पसंद कर रहे हैं। इस बीच हमारे रिपोर्टर ने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार होली पर भगवा रंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे की डिमांड है। और क्या कुछ दुकानदारों ने बताया वह हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। भगवा कलर बहुत उत्साहित हो गए, लोग खरीद रहे हैं और अभी तो हल्का हल्का स्टार्टिंग चल रहा है। अब कोई भी त्यौहार है केवल 4-5 दिन का ही रह गया है। अभी मार्केट में लोग वाक अभी उत्साहित नहीं है, अभी छुट्टी होंगी तो छुट्टी के आधार पर अभी ये पहली तारीख शुरू हुई है। सबके हाथ में पैसा आएगा बाज़ार में तभी वो चलेगा। ऑन डिमांड जो भी चीज़ है हमने पहले से ही मंगा कर रखी हुई है,
सभी की सेवा में हम तत्पर एकदम आगे बढ़े हुए हैं। दुकानदारी को देख के क्या लगता है कि इस बार दुकानदारी थोड़ी अच्छी बेहतर हो? ये अभी शुरू की तारीख की है, अभी तो कुछ भी नहीं है, लगभग ना के बराबर है। अब ये आज पहली तारीख शुरू हुई है तो पहली तारीख से ही लोग बाग अब बाज़ार में निकलना शुरू होंगे। गुजियाँ भी बिकती हैं, दाल मठ बिकते हैं, खाने पीने के एक दूसरे के सामान की चीज़ें सारी बिकती हैं, सभी चलती हैं उसमें। अच्छा, यहाँ पे होली के अवसर पर कौन कौन समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं होली का सामान खरीदने के लिए? हमारे पास तो हम तो मेन बाज़ार में बैठे हुए हैं, सभी तरीके के ईसाई भी लोग इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के पारिवारिक हैं, मोमडन मुसलमान भी हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर रंग भी डालते हैं और गले मिलकर उत्साहपूर्वक सौहार्दपूर्वक होली को मनाने की कोशिश करते हैं। मुखौटे की बात की जाए तो इस बार क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है मुखौटा? भाई मोदी जी का मुखौटा तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, उनकी बहुत ऑन डिमांड चल रही है और किसी प्रकार का एक अमित शाह जी का भी मुखौटा था उसकी इतनी डिमांड नहीं है। आई होली, आई होली, आई मस्ती लाई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, आई होली, आई होली, आई होली, आई मस्ती लाई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा रा रा सारा रा रा, मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रा रा सारा रा रा, मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रा रा, जय हो। होली पर शहर के बर्तन बाजार, मंडी चौक, नवीन नगर, गुरट्टी सहित कई अन्य बाजारों में पीतल की पिचकारी के साथ ही अन्य सामानों की बिक्री हो रही है। कारोबारियों का कहना है कि पीतल के सांचे और पीतल की पिचकारी की मांग बहुत है, तो वहीं शहर में होली के अवसर पर लोग क्या खरीदारी कर रहे हैं, इस बारे में हमारे रिपोर्टर ने लोगों से बात की और लोगों ने बताया। होली पर आप खरीदारी करने आई है, किस तरह की खरीदारी की आपने? भैया अभी तो बच्चे के लिए पिचकारी, क्योंकि बच्चों को तो अभी होली तक 3-4 और लग जाएंगी पिचकारी, तो इनके कलर पिचकारी बलून इन सब की शॉपिंग चल रही है। बाकी अपने इनके नए कपड़े खरीदने हैं, घर का सामान खरीद रहे हैं और मिठाई उठाई भी लेनी और बनानी है घर पे, उसका ही सामान लेना है। अच्छा, होली की अगर बात की जाए तो आप किस तरह से होली को मनाते हैं, मतलब एकता की बात की जाए तो किस तरह से होली को आप सेलिब्रेट करते हैं? होली हम मिलजुल के मनाते हैं, हमारी सोसाइटी में सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर वहीं सब अपना जो भी अपने मिष्ठान नमकीन सब वहीं ला के और हम एक साथ होली का दहन करते हैं और फिर एक साथ कलर खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं सब फैमिलीज के साथ अपनी सोसाइटी में। कोई मैसेज देना चाहेंगे कि होली जैसे एकता का त्यौहार है साथ में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि होली के त्यौहार में सौहार्द बना रहे, प्रेम भाव बना रहे और हर समाज खुल के होली खेले और मिलजुल कर होली खेले, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, और मोदी जी योगी जी जिंदाबाद, होली उन्होंने और ज़्यादा बेहतर बना दिया हमारी। अच्छा, मोदी जी का मुखौटा भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है तो आप? भैया जब से मोदी जी चले हैं हमारे घर में एक न एक मोदी जी की पिचकारी हर साल आई है, मोदी जी के मुँह वाली, तो हर साल हम एक ना एक मोदी जी की वाली पिचकारी लेते हैं, जहाँ दिखेगी तो वो पक्का लेते हैं। हम तो कह रहे हैं योगी जी की आ जाए, हम योगी जी वाली भी ले, अभी हमें योगी जी की नहीं दिखी है, मोदी जी की तो दिख गई है। जी बिल्कुल, मैं जनता से कहूँगी अपनी होली सेफ मनाएं, खूब खेलें, खूब पानी भी कोई दिक्कत नहीं है, कलर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी होली खेलें सेफ खेलें और ध्यान रखें, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बीमारों का ध्यान रखें और खुशी खुशी होली मनाएं। बाजार पर होली की खुमारी है, होली पर गुंजे और पकवान की बात ना हो यह तो हो ही नहीं सकता। घरों में जहां अलग अलग तरह के पकवान और गुंजिया बनाने की तैयारियां हैं, वहीं दुकानों पर रेडीमेड गुंजिया और कई तरह की मिठाइयां सज गई हैं। 320 रुपए किलो से लेकर 800 रुपए किलो तक की कई किस्म की मिठाई और गुंजिया की बिक्री हो रही है। बाजारगंज के एक दुकानदार ने बताया कि सूजी और मावा से बनी गुंजियों के साथ ही ड्राई फ्रूट की भी मांग अधिक है, भुने काजू, बादाम, पिस्ता भी लोग खरीद रहे हैं। वहीं होली पर खरीदारी की बात की जाए तो व्यापारियों में काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि बाजारों में होली के अवसर पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी में गुलाल, पिचकारी, मुखौटे व अन्य सामान की जमकर खरीदारी की जा रही है। इसी बारे में दुकानदार ने बात करते हुए बताया। होली को लेकर किस तरह की खरीदारी की जा रही है? होली को लेके मतलब इस समय आज से अगर मैं कहूँ संडे से तो बहुत ही अच्छा एक रिस्पांस आ रहा है, बहुत ही अच्छा। बाकी पिछले एक हफ्ते से
बहुत बढ़िया मतलब मार्केट चल रही है और पूरी तरीके से रंग पिचकारी हर तरीके से गुलाल। और इस बार अगर हम कहें तो ये जैसे गुलाल की इस टाइप की ये फैंसी आइटम्स की बहुत अच्छी डिमांड है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट। और जो बड़े सिलेंडर्स पंप्स वगैरह हैं उनकी बहुत डिमांड है, मतलब इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो अभी से उसकी शॉर्टेज हो गई है, आपको कल या परसों तक तो अवेलेबल भी नहीं होगा, मतलब अगर आपको मिलेगा भी नहीं। उसमें कई साइज़ आते हैं, 5 किलो में, 10 किलो में, 2.5 किलो में, मतलब सारे साइज़ की ये डिमांड है। और ये हमारे पास जो आपको मिलता है ब्रांड में मिलता है तोता में। ये क्या आपके हाथ में जो ये 2.5 किलो का सिलेंडर है, इसमें आपको अगर आप इसको खोलते हैं यूज़ करते हैं जितनी बार आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं इसको प्रेशर से, और इसमें 2.5 किलो गुलाल निकलता है। क्या प्राइस है इसका? इसका 1100 रुपये। तो ये क्या चल रहा है मार्केट में, मतलब इसकी डिमांड कैसी है? इसकी डिमांड बहुत है और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो इसकी शॉर्टेज है, जो भी स्टॉक था सब एकदम खत्म है, पीछे कहीं भी इसका माल नहीं है, स्टॉक में सब क्लियर है बिल्कुल। और अगर आप ब्रांड मतलब मेन चीज़ है इसमें लीजिए तो जब भी ब्रांड का लीजिए आप, लोकल का कह नहीं सकते कैसा मिले, तोता एक बहुत अच्छा ब्रांड है। ऐसे ही आपको हर तरीके की चीज़ मिलती है, सिर्फ इसको लेकर के नहीं। और ये आपको इस टाइप का ये भी मिलते हैं, ये सिलेंडर आते हैं, इसमें आपको मिक्स कलर मिलते हैं। ये क्या आइटम है? ये इसमें आपको इसी का छोटा है ये। अच्छा। और जैसे अगर बच्चे भी चाहें तो बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा हैवी होता है बच्चों के लिए, ये बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आपको मतलब अलग तरह, अगर कलर की बात की जाए तो कलर इसमें ऑर्गेनिक हर्बल कलर है या? हाँ, इसमें हर्बल कलर है, इसमें आपको हर्बल कलर मिलते हैं बिल्कुल। अच्छा। इसके अंदर बिल्कुल ऑर्गेनिक कलर्स मिलते हैं, तो इसमें हेल्थ वगैरह का भी ध्यान रखा? हाँ बिल्कुल, हेल्थ का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है, हम वो चीज़ ही बेचते हैं, कोई भी मिट्टी कलर मिला हुआ कोई कलर नहीं मिलेगा आपको हमारे पास, सब आपको अच्छे ब्रांड्स में। और अगर मीडियम में भी मिलेगा तो कोई भी गंदा कलर नहीं मिलेगा आपको, गाढ़े से गाढ़ा रंग भी चाहिए तो वो भी मिलेगा, और स्प्रे पंप्स बलून्स हर तरीके का, आपको मास्क मिलेगा। इधर आप देखिए ये मास्क वगैरह हर चीज़ आपको वेराइटी मिलती है, कैप्स मिलती हैं आपको, पिचकारियाँ मिलती हैं आपको, टी शर्ट्स मिलती हैं आपको, म्यूजिक पिचकारी भी मिलती है आपको, बहुत मतलब एक बहुत बड़ी रेंज मिलती है आपको हमारे पास। इसी के अलावा अगर आपको होली पे जो ड्राई फ्रूट कैंडीज चलती है गुजिया के लिए, बहुत अच्छी अच्छी 2 खाना 4 खाना 6 खाना ड्राई फ्रूट कैंडीज मिलेंगी आपको, मतलब एक बड़ी रेंज मिलती है, बहुत अच्छे अच्छे आपको ग्लास मिलेंगे डिफरेंट टाइप के। कलर की अगर बात की जाए तो किस कलर की डिमांड है? कलर की मेन अगर कहें तो सबसे ज़्यादा गुलाल की डिमांड है, और जो लोग गाढ़े रंग से खेलते हैं उन्हें तो गाढ़ा ही चाहिए होता है, लेकिन मेन जो है वो गुलाल की डिमांड ज़्यादा रहती है। कलर की बात की जाए तो हाँ बिल्कुल, भगवा कलर तो हमेशा ही हमारी डिमांड में रहता है, इनफैक्ट अगर मेरे हाथ में कहूँ तो मैं पिचकारी भी भगवा कलर की ही है। होली के अवसर पर बच्चे पीछे हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, होली के पर्व पर बच्चों में काफ़ी उत्साह है और बच्चों ने भी बाजार में निकलकर अपनी खरीदारी शुरू कर दी है। वहीं बच्चों ने अपनी डिमांड अपने माता पिता को बताते हुए अपनी ज़रूरतों की सभी चीज़ें खरीदी हैं। तो वहीं एक बच्चे ने अपनी खरीदारी और होली के बारे में बात करते हुए बताया। क्या क्या खरीदा आज आपने होली? मैंने आज पिचकारी लिए है और गुब्बारे लिए हैं और मैंने ये बाल लिए जो करवा थे और गुलाल लिए हैं। अच्छा गुलाल, कौन कौन सा कलर लिया है? मैंने भगवा कलर लिया है, पर्पल कलर लिया है, ब्लू कलर लिया है। किस तरह से होली मनाने का सोच रहे हैं इस बार? हम भीगी होली और सूखी होली दोनों। किसके साथ होली मनाते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ? फ्रेंड्स के साथ, दोनों के साथ। फैमिली के साथ भी मनाते हैं? दोनों के साथ। और क्या क्या लेने का सोच रहे हो? अरे बस पक्की कलर, बस। तो होली पे काफी एंजॉय करते हो? यस। किस तरह से एंजॉय करते हो? हम आमने सामने खेलते हैं, दूसरे की बैटल होती है पूरी। होली का पर्व नज़दीक आते ही बाजार सज गए हैं। बाजारों में दुकान पर गुलाल और पिचकारी के साथ अन्य सामानों की खरीदारी के लिए भीड़ लगी है। होली के रंग में बाजार भी रंगे हुए नजर आने लगे हैं। बाजारों में रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारी के अलावा गुंजिया और मेवा से दुकानें सजी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में होली के अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती है। साथ ही इस बार दुकानदारों का यह भी कहना है कि बाजारों में खरीदारी में बढ़ोतरी होगी और दुकानदार इस बार अच्छे बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं। तो हम भी यही कामना करते हैं कि होली का यह पर्व आप सबके जीवन में खुशहाली लेकर आए और आप सब होली को प्यार और एकता के साथ मनाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद। आई होली, आई होली, आई मस्ती लाली, मस्ती लाली, मस्ती लाली। आई होली, आई होली, आई होली, आई मस्ती लाली, मस्ती लाली, मस्ती लाली। वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा रारा, सारा रारा, खेल।
होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल, ये होली खेलत है। होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल, ये होली खेलत है। ओ बाजे ढोल मंजीरे ताल, रंग डारे गोरी के गाल, होली खेलत है।